हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है लक्ष्मी किचन में एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे छोटे बैंगन की बहुत ही टेस्टी सब्जी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा केजी के करीब छोटे वाले बैंगन ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। बैंगन का कलर भी बहुत सुंदर है और छोटे छोटे हैं बिल्कुल। इनकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आज इस सब्जी को हम कुकर में बना रहे हैं। तो कुकर में बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है। कुकर के अंदर डाल दिया ऑयल सरसों का। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके आगे जो बेल आइकन बटन उसे प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो आप देख सकते हैं ऑयल जो था हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी एक चम्मच भर का जीरा। जीरा हमारा डालते चटक कर तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो ऑयल था वो अच्छा सा पहले से ही गर्म हो चुका है। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, जिसे मैंने पहले ही कट करके रखा हुआ था। और बैंगन को हमें सब्जी का तड़का लगाने के बाद ही काटने चाहिए, नहीं तो जो बैंगन होते हैं वो काले हो जाते हैं। और काटते वक्त उसके अंदर पानी ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आपको ये बैंगन की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा जीरा था वो भी चटक कर तैयार हो चुका था अच्छा सा। अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज भी मैंने ऐड कर दिए हैं और साथ ही मैं अब कुछ मसाले ऐड करूंगी मैं। तो मसाले भी प्याज के साथ ही भून कर तैयार हो जाएंगे। देख सकते हैं, लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच, हल्दी पाउडर आधा टेबल स्पून, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर एक चम्मच, और इन सारी चीज़ों को अच्छा सा करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद में इसे हम थोड़ी देर पका लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा हमारा मसाला भी पक कर रेडी हो जाएगा। और टमाटर की मैंने यहाँ पर प्योरी बना कर रख ली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें और वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि जो आज की मैंने बैंगन की सब्ज़ी किस तरीके से बनाई है। तो देख सकते हैं मसाला भी हमारा अच्छी तरीके से भून रहा है। अब थोड़ा चम्मच की सहायता से इसको मैं चला लूँगी। और इधर मैंने टमाटर भी पीस लिए हैं, तो टमाटर भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसको भी मैं अच्छा सा मिक्स करूंगी। तो बहुत ही शानदार हमारी ये बैंगन की सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो टमाटर भी इसके साथ पका लेते हैं, बढ़िया ग्रेवीदार हमारी जो सब्ज़ी है वो तैयार होगी। तो देख सकते हैं इस तरीके से अब इसको मैं अच्छा सा पकाऊँगी। और थोड़ा सा पानी जो मिक्सी के अंदर हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था उसमें से धोकर थोड़ा सा डाल देंगे, जिससे कि हमारा मसाले के अंदर अच्छा सा ग्रेवी भी आ जाएगी और बढ़िया सा हमारा मसाला पक कर तैयार हो जाएगा। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए पका लेना है और अच्छी तरीके से मसाले को, जब तक इसमें से ऑयल रिलीज ना हो जब तक इस मसाले को हम पकाते रहेंगे। तो ये देखिए, मैंने धोकर इसमें पानी ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद में इसे हमें थोड़ी देर पका लेना, ताकि जो मसाला है वो भी अच्छा सा पक जाए और थोड़ी ग्रेवी भी हमारी बन जाए बैंगन की सब्ज़ी में। तो फ्रेंड्स, आज की अगर बैंगन की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी भी इसमें मैं बैंगन डाल देती हूँ। बैंगन को डालने के बाद में हम इसमें एक ही विसल आने तक पकाएंगे इसको, ताकि जो सब्ज़ी है वो हमारे प्रॉपरली तैयार हो जाए, पक कर कच्चे पक्के ना रहें। अगर हम इसको खुले में पकाते हैं तो ज़्यादा हमारी गैस की खपत होती है और इससे काफ़ी बार आधे बैंगन कच्चे रह जाते हैं। इसीलिए मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ और मिक्स करने के बाद में इसमें ढक्कन लगाकर एक विसल आने तक इसको पका लूँगी। तो फ्रेंड्स, सारी सब्जी इसमें कवर कर दी और ढक्कन लगाकर मैंने इसको पका लिया है। अब आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी ये सब्ज़ी बनकर रेडी होगी। तो सब्जी को चेक करके देख लीजिए कितनी अच्छी बनी है हमारी सब्जी, को मैंने लग बाउल में सर्व कर लिया। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक ऐसी सिंपल सी आसान सी रेसिपी के साथ। लक्ष्मीज किचन, धन्यवाद, बाय बाय।